Do you reuse plastic ideas part minus two? So friends, सबसे पहले मैंने ले लिया है कुछ इस टाइप का कंटेनर एंड मैं इस पर काउल बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है जो भी का एयर ड्राई क्ले, तो बेस पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा के मैं इसे कुछ इस टाइप से स्प्रेड कर रही हूँ एंड मैं इसे ना ग्लू की मदद से ही प्लेन कर रही हूँ इसका सरफेस। आप लोग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने ग्लू ही यूज़ कर लिया, उससे इसकी स्टडीनेस भी बढ़ेगी। एंड ये तो इसकी अभी आई बॉल्स हैं आउल की एंड आप लोग मेरे से गलती हो गई थी, इसके नीचे ना 3 वो स्टैंड टाइप लगे हुए हैं, तो इसलिए जो 2 स्टैंड के बीच में हमें इसकी आईज बनानी है, मैंने 1 स्टैंड के बीच में बना दिया था, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना, आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा कि मैं किस मिस्टेक की बात कर रही हूँ। एंड जो एक्स्ट्रा क्ले है उसे मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ एंड मैं दूसरे वाले पे भी कुछ इसी तरह से लगाने वाली हूँ एंड कुछ इस तरीके से। आप लोग कोई से आप लोग मोल्डिंग क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जो भी एयर ड्राई क्ले यूज़ करी क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और सूख जाती, इसलिए अब मैं इसकी नोज़ भी बना दी थी। कुछ इस टाइप की आप लोग शेप कर सकते हैं नोज़ एंड मैंने अब मैं थोड़ा पतले स्ट्रिप्स टाइप बना के मैं इसकी आईब्रोज बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यही प्रोसेस मैं दूसरे वाले आई पे भी करने वाली हूँ। ये तो हमारा आई नहीं है, ये हमारा एक बेस है जिस पे एक पैटर्न भी दिया है मैंने बाद में, और इसके ऊपर एक और आईबॉल लगाऊंगी एंड मैंने ये कुछ इस तरीके से इसके लेग्स बना दिए हैं, क्लॉज जो होते हैं वो बना दिए हैं एंड ये जो मैंने बीच में लगाया है ये है इसकी आईज। तो इसकी मैं बात कर रही थी, तो ये हमारी आईज है एंड वो जो नीचे वाला बेस है उसमें मैंने थोड़ा सा वो पैटर्न दिया था, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं करा था। और अब मैं इसे साइड से इसके ईयर्स लगा रही हूँ। मैंने पहले साइड से ईयर्स लगाए थे बट साइड से ईयर्स अजीब से लग रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने बीच में लगा दिए थे इन दोनों आईज के ऊपर। अभी तो मैंने ऐसा शो करा, आप लोग कुछ इस टाइप से भी लगा सकते हैं, पर मेरे को डॉग के ईयर्स लग रहे थे इसलिए। अब मैंने इस पे जेसो अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो फ्रेंड्स अब जैसे कि जैसे ड्राई हो गए तो मैं कुछ इस टाइप से इसकी आईज़ को कलर कर रही हूँ। जो दूसरा वाला था ना वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी इस वजह से। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY पे। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने कुछ इस टाइप के कंटेनर को इस शेप में कट कर लिया है एंड आप लोग किसी भी शेप में कट कर सकते हो, मैंने कुछ इस शेप में कट करा है क्योंकि मैं इसे एज अ स्टैंड यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्टूडियो में। एंड अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ जैसो, आप लोग होममेड जैसो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग बाजार का जैसो या एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का, बस हमें इसे एक बेस कोट देना है। तो मैंने इसे कुछ इस टाइप से कलर कर लिया है एंड एज अब मैं कुछ फ्रेम बना रही थी, मैंने आप लोगों को बना के दिखा रही है इसमें, बट मैंने जो एट लास्ट जो बना था प्रोजेक्ट उसमें यूज़ नहीं करा था।
आप लोग ऐसे फ्रेम भी बना सकते हैं। तो मैंने मोल्डेड क्ले ले लिया है, उसे थोड़ा सा रोल करके फ्लैटन अप कर लिया है एंड उसे मैं जो क्ले है उन दोनों को कुछ इस टाइप से ज्वाइन करके जो एक बार रोल कर दूंगी तो कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। एंड मैं इसे कुछ इस टाइप से पेस्ट कर देती हूँ एंड इसे एक जगह इसे शेप देके एक जगह हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो ऐसे हमारा फ्रेम हो जाएगा। आप लोग इस पर गोल्डन कलर लगा के इसे फ्रेम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने जैसे कि जैसे ड्राई हो गया आप लोग देख सकते हैं, और मैंने दो प्रिंट आउट लिए कुछ इस टाइप के एंड इन प्रिंट आउट में मैंने जो आप लोगों को दिखाया था ना ऑल्टरनेटिव वाले वीडियो में, ऑल्टरनेटिव क्राफ्ट सप्लाइजर वीडियो में, तो जो मैंने आपको लास्ट में डेकोपेज पेपर दिखाए थे उन्हीं में से मैंने ये दो प्रिंट्स निकाले हैं। आप लोगों को इसे ऐसे करके डिगर करना है, ना कि आप लोगों को इसे सीजर की मदद से कट करना है। बस कुछ ही प्रोजेक्ट्स में हम इन्हें सीजर से कट करते हैं। अब मैं नॉर्मल मेरा जो होम मेड डेकोपेज ग्लू है उसे लगा रही हूँ एंड मैं इसे कुछ इस टाइप से पेस्ट कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं ले रही हूँ कुछ जो इस प्रिंट में कलर यूज़ हुए हैं इन प्रिंट्स में, जैसे कि पिंक, पर्पल, ब्लू, कुछ इस टाइप के ग्रीन, इस कलर के मैंने चॉक पेंट्स ले लिए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ इस टाइप से चॉक पेंट्स अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को वही कलर लेना है जो आप लोगों ने प्रिंट में लगाया है, जैसे कि इस फ्लावर वास में पिंक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ऐसे ऐसे कलर्स हैं, तो वही कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ इस टाइप से। सो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने कुछ इस टाइप से इसे कलर कर दिए थे, मैं शूट नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस एंड मैं आप लोगों को पीछे भी पेंट करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे कलर करा है। आप लोग कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बट प्रिंट के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कलर ना अच्छे से मतलब उससे नहीं का कंट्रास्ट लुक आता है। और मैंने लास्ट में इसमें वार्निश लगा दिया था आफ्टर ये ड्राई हो गया था तब।